रुद्रपुर के थाना ट्रांसिट कैंप क्षेत्र में लूट के इरादे से युवक पर आधा दर्जन लोगों ने फायरिंग कर दी, जिसमें युवक को दो जगह गोली लगी है। युवक को पहले सरकारी अस्पताल ले जाया गया, वहां से चिकित्सकों ने उसकी हालत गंभीर बताते हुए रेफर कर दिया। घायल युवक के पिता ने पुलिस को शिकायत भी दर्ज कराई। पूरे मामले में रुद्रपुर के SP सिटी मनोज कत्याल ने बताया कि फायरिंग की घटना सामने आई है, जिसमें एक युवक घायल हुआ है। घायल अवस्था में युवक को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन लूट की घटना अभी सामने नहीं आई है। उन्होंने कहा कि हर पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच की जा रही है और जांच के बाद आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। रुद्रपुर से मुकेश मंडल की रिपोर्ट। में जो अभी तक हमने मजरूह से पूछताछ की है, उसमें लूट जैसा कोई आशय अभी तक प्रकाश में नहीं आया, क्योंकि फायरिंग जो है लगभग 2 से 3 मीटर दूर से की गई। अज्ञात लोग थे जो विक्टिम है, उनमें से किसी को भी आइडेंटिफाई नहीं करता है, तो इससे किसी रंजिश की भी हम फिलहाल एंगल को रूल आउट कर रहे हैं। लेकिन इसमें कोई ना तो उनसे डिमांड की गई, ना उनका कोई सामान छेड़ा गया। उनकी बाइक, पर्स, मोबाइल, चेन, घड़ी सब इनके सुरक्षित है, और जो इसकी घटना के कारण है उसकी जानकारी हम लोग कर रहे हैं। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और इसमें इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। जो भी फैक्ट्स आएंगे उसके हिसाब से आगे। उसको रात को मेरे ट्रांसपोर्ट से जाते हुए कमरे पे गोली मार दी कुछ लोगों ने, रोकने की कोशिश की लूटपाट के मामले से, और उन्होंने गाड़ी नहीं रोकी तो सामने से गोली मार दी। जहाँ शटल में जॉब करते हैं, मेरी ट्रांसपोर्ट है शिमला बहादुर रोड पे, वहाँ से जा रहे थे घर। घर जाते हुए 4-5 लड़के खड़े हुए थे नशे की हालत में, उनने रोकने की कोशिश की, इन्हें नहीं रोकी, गाली बकी उन्होंने। तो गाली बकने के बाद में इन्हें पूछा गाली क्यों बक रहे हो, तो सामने से फेर रोक दिया उनके ऊपर।